फोर्ब्स मैगजीन ने भारत के अमीरों की 2017 की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर लंदन में रहने वाले हिंदुजा ब्रदर्स हैं। 2016 में इनकी नेटवर्थ 15.4 थी, जो अब बढ़कर 18.4 बिलियन डॉलर हो गई है। इंदौर में हुई ग्लोबल समिट के उद्घाटन सत्र के बाद हिंदुजा समूह के कुछ चेयरमैन गोपीचंद हिंदुजा, उनके भाई अशोक हिंदुजा, रिश्तेदार दिलीप लखी और इंदौर के मित्र ईश्वर और पुष्पेंद्र झामनानी और गोपाल कोडवानी के साथ महाकाल के दर्शन के लिए गए थे। उस दिन की घटना को याद करते हुए पुष्पेंद्र और गोपाल बताते हैं कि जीपी साहब ने उस दिन बिना कुछ कहे एक ऐसा पाठ पढ़ाया जिसे हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। दोनों भाइयों ने बेहद श्रद्धा से महाकाल का अभिषेक किया। इसके बाद मंदिर से निकलते समय जीपी साहब ने चाय पीने की इच्छा जताई। इस पर हमने उन्हें कहा कि इंदौर रोड पर बहुत अच्छी होटल्स हैं, लौटते समय हम लोग वहाँ चाय पियेंगे। मंदिर से बाहर आते ही उनकी नज़र मंदिर के सामने बनी चाय की छोटी सी दुकान पर पड़ी। दुकान देखते ही उन्होंने कहा कि होटल की क्या जरूरत है, ये दुकान अच्छी लग रही है, चलो यहीं चाय पीते हैं। दुकान देखकर हमने उन्हें कहा कि सर ये बहुत छोटी दुकान है, लेकिन तब तक वो और अशोक अंकल दुकान के भीतर चले गए। अंदर बैठकर उन्होंने सबके लिए चाय का ऑर्डर दिया और दुकानदार से कहा कि भाई थोड़ी भूख लग रही है, कुछ नमकीन भी खिला दो। चाय वाले ने प्लेट में नमकीन परोस दिया। इसी दौरान पीएम मोदी की बात निकली तो उन्होंने कहा कि मोदी ने ये साबित कर दिखाया है कि विजन बड़ा हो तो चाय वाला भी बड़ा काम कर सकता है। चाय की इस दुकान पर जीपी यानी गोपीचंद हिंदुजा का एक नया रूप सामने आया। उन्होंने दुकान में चाय की छुस्कियाँ लेते हुए संगम फिल्म का एक गाना भी सुनाया। चूँकि हिंदुजा भारत की मीडिया में ज्यादा चर्चित नहीं है, इसलिए चाय की दुकान का मालिक उन्हें पहचान नहीं सका। बाद में जब उसे पता चला कि उसके यहाँ उस शख्स ने चाय पी है जो लंदन की महारानी एलिजाबेथ का पड़ोसी है, तो वो भी हैरान रह गया। फोर्ब्स मैगजीन ने 2017 की अपनी लिस्ट में हिंदुजा बंधुओं को तीसरा सबसे अमीर भारतीय बताया है। मैगजीन के अनुसार इनकी नेटवर्थ अप्रैल 2016 में 15.1 बिलियन डॉलर यानी करीब 1,00,000 करोड़ रुपए थी, जो अप्रैल 2017 में बढ़कर 18.4 बिलियन डॉलर हो गई है। लंदन में इंग्लैंड के राजमहल जहां इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ रहती है के पास उनका एक आलीशान पैलेस है। इसे उन्होंने 100 मिलियन पाउंड में खरीदा था। इसकी वर्थ आज करीब 500 मिलियन पाउंड यानी करीब 4,000 करोड़ रुपए है।